दिन के जो हिस्से होते हैं भाई, एक दिन में कितनी बार मॉर्निंग आती है? एक ही बार मॉर्निंग आती है, इसलिए हम बोलते हैं आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इसी तरह होगा इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन नाइट में दा नहीं आता। नाइट में तभी दा आएगा जब वो निश्चित हो, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो तभी हम उसमें दा लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि नाइट को नून का ऑपोजिट माना जाता है। जैसे नून में एट आता है ना, एट नून, तो नाइट में भी आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, एट। तो जब एट हो तो समझ लो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वहाँ पर दिया है इन द नाइट तो समझ लो वो निश्चित है, यानी यहाँ दा लग गया। एट नाइट और इन द नाइट में अंतर क्या है समझ लो। एट जो है ना, छोटेपन को दर्शाता है, निकटता को, समीपता को दर्शाता है। छोटे स्थान, छोटे समय पर एट लगता है। और इन एक फैलाव को दर्शाता है कि वो फैला हुआ है। तो नाइट जब छोटी हो तो एट लगेगा, नाइट जब बड़ी हो तो इन लगेगा। अब रहा सवाल कि नाइट बड़ी कब होती है और छोटी कब होती है। याद रखना, मुसीबत वाली जो भी रात होगी वो लंबी होगी, क्योंकि समय अपनी गति से चलता है और हम अपनी मति से समय को नापते हैं। हम समय की गति से समय को नहीं नापते, हम अपनी मति से समय की गति को नापते हैं। नहीं, ये टीचर का कर्तव्य है कि पहले कंफ्यूज करो, पहले फ्यूज उड़ाओ, बाद में बनाओ। कहने का मतलब ये है, जब आप 3 घंटे कोई मूवी देखते हो, अपनी फेवरेट मूवी, तो आपको पता नहीं चलता वो 3 घंटे कब बीत गए। और जब आप यहाँ 1 घंटा मुझसे पढ़ते हो तो ऐसा लगता 10 घंटा हो गए। क्यों? क्योंकि हम जो हैं अपनी मति से समय की गति को नापते हैं। जब हम रात में सो जाते हैं, ख़ास तौर से ठंड के मौसम में, तो हमें पता ही नहीं चलता कि रात कब गुजर गई। समय का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मति वो तो सो रही थी। 8 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला, सोचो। लेकिन ये 8 घंटे रात के अगर आप जंगल में बिताएं, घने जंगल में, अमावस की रात को आपको किसी ने वहां छोड़ दिया, फंस गए कहीं, आदिवासी ने पकड़ के बांध दिया पेड़ से, इसकी बलि चढ़ेगी, रात भर आप तड़प रहे हो, तो वो रात आपके लिए जीवन की सबसे लंबी रात होगी। एम आई राइट? यहाँ तक कि जब किसी को कोमा आ जाता है ना, मेडिकल कंडीशन होती, कोमा में जब चले जाते लोग, 30-30 साल बाद होश आता है। और जब होश आता तो उन्हें थोड़ी पता चला 30 साल गुजर गए, उन्हें लगता कल ही तो बेहोश हुए थे। हाँ, वो उनके घर के लोग को पता है 30 साल बराबर 300 साल। फिर वो लोगों को पहचानता भी नहीं ठीक से, देखता है कहता है अरे सासू माँ भी आई हैं, फिर लोग बताते हैं तेरी पत्नी है वो, सास तो कब की खत्म हो गई, तू जब अपनी लोगाई को छोड़ गया था तो वो 30 साल की थी, अब वो 60 की हो गई है, तो उसको झटके लगते हैं, इसलिए एकदम से बताती भी नहीं है। हाँ, उसके सामने अखबार अखबार वगैरह सब हटा देते हैं। अभी ऐसा कहते हैं कि जब अभी जिन लोगों को कोमा से होश आ रहा ना, और जिन जिन को पता चल रहा कि 500 1000 के नोट बंद हो गए हैं, तो वो फिर से कोमा में जा रहे हैं।